नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। गोपालगंज के फुलवरिया स्थित भदुआ बाजार में बुधवार को हुए बम धमाके की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद संजीदा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस धमाके की जांच करने के लिए एटीएस के एडीजी रविंद्र शंकर खुद गोपालगंज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ एटीएस के विशेषज्ञों की एक टीम पटना एटीएस मुख्यालय से गोपालगंज पहुंची है। इस टीम में बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड के सदस्य भी शामिल है। गौरतलब है कि एटीएस चीफ रविंद्र शंकर गुरुवार को घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अपनी विशेष टीम में शामिल सभी सदस्यों को विभिन्न बिंदुओं पर बेहतर अनुसंधान कैसे दिया जाए इसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। अब बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि जिस घर में धमाका हुआ वहां अवैध रूप से पटाखे का निर्माण होता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस कारण को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। वहीं गोपालगंज के फुलवरिया स्थित भदुआ बाजार में बुधवार को हुए बम धमाके की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद संजीदा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस धमाके की जांच करने के लिए एटीएस के एडीजी रविंद्र शंकर खुद गोपालगंज पहुंचे हैं। ऐसे ही वीडियोस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव।